नोटपैड, ठीक। मैंने नोटपैड कैसे ओपन किया आपने देखा, ठीक है? नहीं देखा। नहीं देखे आप लोग? यहाँ पे आके नोट लिखूंगा, ठीक है, और ऊपर यहाँ पे सिलेक्ट करके कर दूंगा ऐसे, ठीक। या फिर स्टार्ट मेनू में जाऊंगा, ऑल प्रोग्राम में जाऊंगा, एक्सेसरीज में जाऊंगा, नोटपैड में मैं क्लिक कर दूंगा तो नोटपैड खुलेगा, ठीक है। तो ऐसे आप लोग नोटपैड खोल लिया करोगे, ठीक है। यहाँ पे मैं अभी कुछ लिखूंगा तो आपको बहुत छोटा दिखाई दे रहा होगा, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। उधर कर लेता हूँ, ठीक है। अब तो HTML के बारे में तो थ्योरेटिकली मैंने, हाँ, धुंधला दिखाई दे रहा है। ठीक है, इससे ज्यादा तो साफ नहीं होगा। नीचे फिर से तो चला ही गया होगा। इसके आगे तो नहीं होगा जी, क्लियर है? तो HTML थ्योरी चीज तो मैं बता दिया हूं जो भी चीजें हैं, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल हम लोग कर लेते हैं, ठीक। नोटपैड को ओपन करा, ठीक है, और फिर मैं क्या किया, इसको कंट्रोल एस दबाऊंगा, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ, ठीक है। मैं डेस्कटॉप पे आया, ठीक है, यहाँ पे आया, हटाया, ठीक है। मैं इसका फाइल का एक नेम दूंगा, इंडेक्स, ठीक। फिर डॉट दिया HTML, ठीक है, इसे सेव कर दूंगा। या फिर कुछ भी लिख दो, फर्स्ट एप्लीकेशन या फिर जो भी हो, माई FIRST फर्स्ट HTML, ठीक है। मैं ये लिखा, डॉट लगाया HTML, ठीक है। फाइल के नेम के आखिरी में डॉट HTML लिखना जो है जरूरी है, ठीक। फिर कर दो आप इसको सेव, ठीक। ये वाला है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसको किया रन, ठीक है, डबल क्लिक किया, ये चलेगा अब, ठीक है। ये देखिए चल गया, ठीक ना, ठीक है, चलिए चल रहा है अभी। लेकिन इसमें कुछ लिखा नहीं आ रहा है अभी, ठीक। आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ आ नहीं रहा है, ठीक है। तो इसमें जो है टैग्स वगैरह होते हैं। सबसे पहला टैग क्या होता है, ये, ठीक। सबसे पहला जो है टैग होगा वो होगा HTML, ठीक। HTML हम लिखेंगे पहले, ठीक है। आप जानते हैं जो है HTML का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और ये वेब ब्राउजर पे रन हो जाता है, ठीक है। वेब पेज वगैरह इससे डिजाइन किए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला टैग है HTML, ठीक है। उसके बाद क्या है, हेड टैग आता है, ठीक है, HEAD, हेड में लिखा, ठीक है, हेड लिख दिया। फिर उसके बाद लिख दूंगा बॉडी टैग, ठीक है, बॉडी टैग लिख दूंगा। क्या मैं लिख दिया, क्या मजाक है ये, सही है अभी, बॉडी लिख दिया, ठीक। अब इसको कंट्रोल एस करके सेव कर देता हूं और फिर से इसको मैं रन करता हूं, ठीक। फिर भी कुछ नहीं आया, आना भी नहीं चाहिए, हमने कुछ लिखा ही नहीं है तो आएगा क्या। ये तो सिर्फ HTML का टैग है, ठीक है। अब हम कुछ कंटेंट इसमें कहां पे लिखेंगे, तो यहां पे जो हेड है, ठीक है, हेड में क्या होगा, टाइटल वगैरह होगा। जैसे मान लीजिए ये डॉक्यूमेंट का कुछ टाइटल है, ठीक है। यहां पे जैसे जो टाइटल आ रहा है अभी, पेज का नेम आ रहा है अभी टाइटल में, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूं कि टाइटल में कुछ और चीज आ जाए, ठीक है, TITLE, ठीक है। स्पेलिंग टाइटल का सही है, यहाँ पे टाइटल ले लिया, ठीक। यहाँ पे लिख देता हूं
वेलकम टू HTML, ठीक, ये लिख दिया मैं, ठीक है, और इसको मैं कर दूंगा रन। तो ये देखिए यहाँ पे आ गया क्या, वेल कौन क्या मैं लिख दिया, अब सही हो गया, ठीक है। तो रन किया तो यहाँ पे ये देखिए टाइटल आपका आ गया है, ठीक है। तो टाइटल टैग कहाँ होता है, हेड टैग के अंदर, ठीक। तो क्या हेड टैग में के अंदर सिर्फ टाइटल टैग ही होता है? नहीं, हेड टैग के अंदर सिर्फ टाइटल टैग नहीं होता है बल्कि बहुत कुछ होता है। बहुत कुछ में क्या क्या होता है हम उसको पढ़ लेंगे और आगे, ठीक। अभी सिर्फ हम इतना समझ लेते हैं कि हेड टैग के अंदर टाइटल टैग होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है बॉडी टैग, ठीक है। तो HTML में जो जो कंटेंट लिखना है, ठीक है, वो सारा जो है हम बॉडी टैग के अंदर लिख देंगे। जो भी कंटेंट आपको पेज में दिखाना होगा, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख दूंगा, ठीक है। आगे आप देख रहे हैं, ठीक है। तो जो भी चीजें हमें दिखाना है जो है कंटेंट में, वो सब यहाँ पे बॉडी में लिख देंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सीधा टेक्स्ट लिख दिया हूँ, सीधा यहाँ पे टेक्स्ट लिखा नहीं जाता है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे आप, जैसे बना रहे हो मान लो पैराग्राफ, ठीक है, तो आप पैराग्राफ कैसे बनाते हैं जी, एंटर मार देते हैं एमएस वर्ड में, पैराग्राफ बदल जाता है, कुछ लिख लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पैराग्राफ का मतलब पी टैग होता है, ठीक। पी टैग के अंदर आपने जो लिखा वो सारा चला जाएगा पैराग्राफ टैग के अंदर, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं लिख दूँ दिस इज ए स्पेलिंग सही है गलत है, गलत ही होगा मेरे को यकीन है अपने ऊपर, ठीक है, छोड़िए जो भी हो। मैंने इसको रन किया तो ये देखिए आ गया पैराग्राफ यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा है आपको। इसको मैं जूम कर दिया तो ये देखिए ऐसा दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये आ गया पैराग्राफ, ठीक है। तो इसी तरह से जो है आप जितने आपको पैराग्राफ चाहिए आप पैराग्राफ टैग से बना लोगे, ठीक। पैराग्राफ को हमने समझ लिया, पैराग्राफ को समझने से पहले हमें हेडिंग समझ लेना चाहिए था, ठीक है। तो हेडिंग मैं अभी बता देता हूँ, ठीक है। आप जैसे हेडिंग लिखते हैं, ठीक है, तो हेडिंग लिखते हैं वो थोड़ा बड़ा बड़ा होता है, बोल्ड होता है, ठीक है, और कुछ अंडरलाइन वगैरह आप चाहें तो दे सकते हैं उसमें, ठीक है। तो हेडिंग टैग HTML के अंदर भी बनता है, कैसे बनता है, ऐसे बना देंगे, ठीक, ठीक है। यहां पे लिख देंगे दिस इज ए हेडिंग, यहां पे लिखा जाएगा ऐसे, ठीक है, दिस इज HTML, ठीक, हेडिंग आ गया, तो हेडिंग दिख जाएगा ऐसे, ठीक है। देखिए आ गया बड़ा बड़ा हेडिंग दिख रहा है अभी, दिस इज हेडिंग, ठीक है। तो ये हेडिंग कितने तरह के होते हैं, कैठ होते हैं हेडिंग, तो H1 से लेकर के H6 तक, ठीक, 6 हेडिंग होते हैं HTML के अंदर, ठीक है। ए एक है, 2 3 4 5 6, ठीक। तो इसको मैं क्या करूंगा, इसको कर दूंगा 2, इसको कर दूंगा मैं 3, इसको कर दूंगा मैं 4, इसको कर दूंगा मैं 5, इसको कर दूंगा 6। 7 लिखूंगा तो क्या नहीं चलेगा, हाँ 7 लिखेंगे तो चल जाएगा जी, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं होगा, ठीक। तो चलने के लिए तो चलिए जाएगा लेकिन उसका कोई जो है महत्व नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो है आपका हेडिंग बन के रेडी हो गया, ठीक है। अब हो सकता है ऑप्शनल क्वेश्चन वगैरह ऑनलाइन आप टेस्ट दे तो आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा हेडिंग इसमें कौन सा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या आप लोग को लगता है कौन सा होगा सबसे बड़ा, H1 सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। आपको क्यों लगता है H1 बड़ा होगा, H6 तो ज़्यादा नंबर बड़ा लग रहा है, क्यों बोलिए, रन करके देख लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, ठीक है। तो ठीक है जी, देख लेते हैं, H1 लिख दूंगा मैं यहाँ पे,
एच टू लिख दूंगा, ठीक है, एच थ्री लिख दूंगा, एच फोर लिख दूंगा मैं, ठीक है, एच फाइव लिख दूंगा मैं, ठीक है, एच सिक्स लिख दूंगा मैं, ठीक है, लिख दिया जी। अब आप देख लो, ये देख लीजिए, ठीक, माइनस माइनस करता हूँ, ये देख लीजिए, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो है एच वन था, फिर एच टू था, फिर एच थ्री था, फोर था, फाइव था, सिक्स था, ठीक है। तो इस तरह से जो है हेडिंग बन के हमारा तैयार हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से जो है हम एच टी एम एल पे काम करते हैं, ठीक है जी। ये हेडिंग है आपका, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे हमने हेडिंग दे दिया, ठीक है, हेडिंग के बाद हम चाहते हैं कि एक ठो लाइन खींच दे, उस लाइन के बाद जो भी कंटेंट हम चाहते हैं लिखें, ठीक। तो एक लाइन कैसे खींचा जाता है, ए चार, आ गया। तो ए चार टैग आप देंगे तो एक ठो लाइन आ जाएगा, ठीक। मिल नहीं रहा है, मैं कुछ खोज रहा हूं, लेकिन शायद होगा नहीं, नहीं होगा शायद ये, ठीक है। तो इस तरह से जी आप हेडिंग बना लोगे, ठीक है। और इन सभी को मैं ना हटा देता हूं, ठीक है। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, हटा देता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ पे मैं आता हूँ और लिख देता हूँ माय डिटेल्स, ठीक। और यहाँ पे क्या करूँगा, मैं लिख दूंगा नेम, नेम में लिख दूंगा मोहन, ठीक है। क्लास, क्लास में मैं क्या लिख दूंगा, डी सी ए। और बताओ जी एड्रेस, एड्रेस में क्या लिख दूं, एन डी आई ए, ठीक। पिन कोड में क्या लिख दूं, 1 2 3 4 5 6, ठीक। हाँ हो गया जी, इसको हम अब चलाते हैं, ठीक है। देखिए जी चला दिया मैं, हम लोग वहाँ पे लिखे थे एक लाइन में कुछ और टाइप से, यहाँ पे कुछ और बदल गया जी, मज़ा नहीं आया, ठीक है। तो हमको लाइन ब्रेक करना है तो क्या करना होगा, लाइन ब्रेक करने के लिए बी आर टैग का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है जी। हाँ अब बी आर में टैग दे दिया तो इससे क्या हुआ, लाइन ब्रेक हो गया। क्लास और नेम के बाद लाइन क्यों नहीं ब्रेक हुआ, यहाँ पे हमने दिया नहीं ना। चलिए जी ब्रेक हो गया लाइन, चलिए। तो बी आर टैग से क्या होता है, लाइन ब्रेक हो जाएगा, ठीक। लेकिन मैं क्या चाह रहा हूं कि मैं यहां पे जैसा लिख रहा हूं, ठीक है, वो एज इट इज वैसा ही एचटीएमएल पेज में प्रिंट होकर के दिखा दे, ठीक। मैं जैसा लिख रहा हूँ वैसा ही मुझे एज इट इज दिखा दे, तो क्या करूँ इसके लिए मैं, तो इसके लिए एक आता है ए टैग, ए टैग नहीं जो यहाँ पे मैं लिखा हूँ वो टैग, ठीक है, प्री टैग, ठीक। प्री टैग के अंदर हम जो लिखेंगे वो एज इट इज जो है आ जाएगा, ठीक है। जैसा लिखेंगे हम प्री टैग, प्री टैग के अंदर, ठीक है, इस प्री टैग के अंदर जिस तरह से हम फॉर्मेट देंगे उसी तरह से आ जाएगा। टैब मार के इसको दूर ले जाता हूं मैं, ठीक है, और फिर तो यहाँ पे दूर आ गया, ठीक है। तो जैसा आप लिखेंगे, ठीक है, प्री टैग में वैसा ही जो है आपका आउटपुट आएगा, ठीक। तो प्री टैग के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत पी टैग के बारे में, प्री टैग के बारे में नहीं है दिक्कत। चलिए जी
हम पी टैग में फिर से आ जाते हैं, ठीक है। ये है पैराग्राफ टैग, ठीक है। तो ये HTML के जैसा जो है आएगा, ठीक है। इसको मैं माइनस 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 इतना कर दिया, ठीक है। अब कुछ एट्रीब्यूट्स को हम पढ़ लेते हैं, ठीक। एट्रीब्यूट्स मतलब क्या बता देता हूं मैं आप लोगों को, एट्रीब्यूट्स मतलब क्या। जैसे मान लीजिए कि पैराग्राफ का टैग है, ठीक है, और मैं इसको रन किया हूं तो यहां पे बाय डिफॉल्ट ब्लैक दिख रहा है, ठीक है, और इसका टेक्स्ट अलाइन जो है वो लेफ्ट साइड से है, ठीक है। इमेज वर्ड में आपने टेक्स्ट अलाइन पढ़ा था ना, तो वही यहां पे है कि इसका टेक्स्ट अलाइन जो है वो लेफ्ट साइड से है। मैं क्या चाह रहा हूं, इसका कलर ब्लैक है, फॉन्ट का साइज ये है, ठीक है। तो मैं क्या चाह रहा हूं ना कि ये जो टेक्स्ट अलाइन इसका लेफ्ट है वो सेंटर हो जाए। तो कैसे करूंगा, तो इसका डिफॉल्ट फंक्शनैलिटी क्या था आपने समझ गया, आप समझ गए डिफॉल्ट फंक्शनैलिटी आपको जो दिख रहा है। लेकिन इसमें मुझे कुछ परिवर्तन करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें एट्रीब्यूट्स दूंगा, ठीक। तो एट्रीब्यूट्स कैसे दिया जाता है, पी टैग में स्पेस दूंगा, फिर लिखूंगा एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट इक्वल टू डुअल कोट के अंदर एट्रीब्यूट का वैल्यू होगा, अभी रुक जाइए, LUE यहां पे वैल्यू दूंगा, ठीक। यहां पे एट्रीब्यूट का नाम होगा, ठीक है, और फिर क्या होगा यहां पे डुअल कोट के अंदर एट्रीब्यूट का वैल्यू, ठीक है। तो हमें टेक्स्ट अलाइन सेंटर करना है ना, तो मैं क्या करूंगा, लिखूंगा एट्रीब्यूट का नाम अलाइन, ठीक, ALI ऐसे, ठीक। और टेक्स्ट अलाइन हमको सेंटर चाहिए तो दे दूंगा मैं सेंटर, ठीक, बीच में आ गया ये, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूं, यहां पे लिखता हूं दिस इज ए टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक। अब इसको मैं क्या करूंगा जी, मैं आऊंगा यहां पे ऐसे, इसको कर दूंगा RIGHT, ठीक, और इसको कर दूंगा RIGHT, ठीक। ऊपर मैं लिख देता हूं इसी को, ठीक है, और ये हम मेरे को चाहिए बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में, तो यहां पे कुछ करने का हमको जरूरत है नहीं, ठीक। मैंने ये लिख दिया, ये राइट में जाएगा, ये सेंटर में रहेगा और ये लेफ्ट में चला जाएगा, ठीक। मैंने यहां पे आके रन किया तो ये देख लीजिए, ये टेक्स्ट लाइन लेफ्ट है, ये टेक्स्ट लाइन सेंटर में है जी, ये टेक्स्ट लाइन राइट में है, ठीक। तो किसी तरह का आपको कोई कंफ्यूजन है, नहीं है कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, है सर। इसको जैसे रन किए तो लेफ्ट साइड सेंटर और राइट साइड दिख रहा है सब, हां हटाने के लिए, अगर उसको हटाना है, ठीक है, तो सेंटर जो है ना इसका जो अलाइन का मैं एट्रीब्यूट दिया हूं इसको मैं कट करके सेव कर दूंगा, ठीक है, और फिर से इसको मैं रन कर दूंगा तो जो सेंटर वाला था फिर से आ गया यहां पे, ठीक है। तो ये एट्रीब्यूट दिया हूं ना मैं, ये एट्रीब्यूट के कारण जो है ये इधर आ रहा है। इसको पहले जैसा बनाना है तो हम क्या करेंगे जी, एट्रीब्यूट को हटा देंगे, ठीक है। एट्रीब्यूट में सेंटर के जगह पे मैं लेफ्ट कर दूंगा, ठीक है, LEFT, ठीक है, लेफ्ट कर दूंगा तो भी लेफ्ट हो जाएगा ये, और बाय डिफॉल्ट तो लेफ्ट होता ही है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। कुछ और कुछ पूछना है, नहीं पूछना है, नहीं पूछोगे जी कुछ और, चलिए जी, नहीं पूछना कोई तो हम क्या कर सकते हैं। मैं इसको करता हूं बंद, ये है एक सबलाइम टेक्स्ट एडिटर, ठीक है, थोड़ा लेटेस्ट टेक्स्ट एडिटर है। मैं इसी में सोच रहा हूं कि बनाऊं, ठीक है, तो मैं इसको मैक्सिमाइज करता हूं, इसको पकड़ के खींच के ले जाता हूं इसमें,
ठीक। अब इसमें ले आया तो ये देख लीजिए कुछ इस तरह का दिखने लगा, ठीक है। तो टेक्स्ट अलाइन, यहां पे क्या होगा, स्पेस दिया, अलाइन में लिखा तो अपने आप एट्रीब्यूट अलाइन आ गया, एंटर मारूंगा तो अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं सेंटर लिखूंगा तो सेंटर आ जाएगा, एल ई लिखा लेफ्ट आ गया, ठीक है। तो ये अपने आप जो है इस टेक्स्ट एडिटर में आने लगता है, ठीक है जी। मैं सभी को ये हटा देता हूँ ऐसे, ठीक है। यहाँ पे आया सी ओ एल ओ आर, नहीं नहीं कलर तो सी एस एस का प्रॉपर्टी होगा, कलर के लिए क्या यूज किया जाता है मुझे याद नहीं आ रहा है। बीजी कलर से बैकग्राउंड कलर होगा ना यार, बीजी कलर बॉडी टैग के अंदर लगता है, जैसे ये बॉडी टैग है, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा दूंगा, बीजी सी ओ एल ओ आर, ठीक है, आर ई डी, ठीक है। तो ये देखिए बैकग्राउंड में पूरा जो है रेड हो गया, ठीक है। कंटेंट एडिटेबल, इसको मैं हटा देता हूं जी, ठीक है, बीजी को, और इसको कर देता हूं मैं रन। कलर के लिए इस्तेमाल क्या किया जाता है HTML में मुझे याद नहीं आया है, मैं भूल रहा हूं क्या करूंगा मैं यहां पे, ठीक है। आऊंगा सी ओ एल ओ आर, ठीक है, रेड लिख दूंगा जी, जाओ बन गया, ठीक। पर आप ऐसा इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। ये मैं सी एस एस अप्लाई कर दिया, ठीक है, नेट बैठा है जी, चलिए तो कनेक्टेड दिखा रहा है। आता हूँ HTML COLOR, HTML के में कलर वलर का कुछ है जी, एट्रीब्यूट होगा कलर का तो चलेगा, नहीं होगा तो नहीं चलेगा। ठीक है, इन्होंने भी स्टाइल ही यूज करा है, हम कुछ और ट्राई करें, कलर एट्रीब्यूट, ठीक है, अब आ जाएगा HTML, ठीक है, अब भी वही आएगा, मजा नहीं आया। कुछ था या पैराग्राफ में कलर का वही नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, कोई बात नहीं, है कि नहीं मैं पता लगा लेता हूँ, ठीक है। कुछ सॉफ्टवेयर्स आते हैं, ठीक है, और मैं इस्तेमाल कर लूँगा उसका, सॉफ्टवेयर डी आर, जा रुको इसको बंद कर लेता हूँ, फिर सॉफ्टवेयर खोजता हूँ। तो ये मेरा है डीड्रीम वीवर का सॉफ्टवेयर, ठीक है जी। अब ये गलत बताने लगा क्योंकि है नहीं इसके अंदर जेड। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, ठीक है, स्पेस दबाया तो इसके अंदर अलाइन हो सकता है, ठीक है, जो जो एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं यहाँ पे अपने आप आ गए, ठीक है। इसके अंदर जो है स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट हो सकता है, जो मैंने स्टाइल के साथ कलर किया था, ठीक है, सीधा कलर नहीं हो सकता जी, तो इसीलिए हो नहीं रहा था, ठीक है। अब जैसे ही स्टाइल किया, स्टाइल में क्या क्या हो सकता है, सारा प्रॉपर्टी यहाँ पे आ गया जी, ठीक है, सारा यहाँ पे प्रॉपर्टी आ गया है, ठीक है। मैं क्या कलर यूज कर रहा था, ये देखिए कलर आ गया,
ठीक है, अब आप कलर याद कर लिया करना, ठीक है, यहाँ पे जो मैं कलर च्वाइस करूँगा यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, ऐसे करेंगे, एक कलर का कोड यहाँ पे आ गया है, ठीक है, डिजाइन विंडो में जाऊँगा तो ये देखिए कलर अलाइन अपने आप हो गया, ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ से रन करके दिखा देता हूँ, ठीक है, कलर आ गया है, ठीक है, यहाँ पे मैं रेड लिख देता हूँ कलर को, ठीक है, तू बंद हो जा, तेरा जरूरत नहीं है, ये देखिए फिर भी रेड आ रहा है, ठीक है, बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड में यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं क्या, इमेज वगैरह भी सेट कर सकते हैं, बैकग्राउंड इमेज वगैरह भी, ठीक है जी, कलर में कलर सेट कर देंगे बैकग्राउंड का, ठीक है, इमेज हो जाएगा, ठीक है, बॉर्डर भी हम दे सकते हैं जी इसमें, ठीक है, बैकग्राउंड में कलर दिखाता हूँ आपको, ठीक है, इसमें कर दूंगा रेड, तो जैसे बॉडी में आ रहा था ना रेड, वैसे ही इसमें भी आ जाएगा जी, ये देख लो, ठीक है, बॉर्डर है यहाँ पे, ठीक है, बॉर्डर पे मैं आऊँगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, बॉर्डर का विड्थ बताइए पहले, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ 2px, बॉर्डर का कुछ स्टाइल बता दीजिए जी, मैं बोल देता हूँ सॉलिड, ठीक, रेड पूछ रहा है, मैं बता दिया RED, रेड, क्या चल जाएगा, कुछ नहीं हुआ जी, क्या किया जाए, तो काम ऐसा किया जाए, इसको हटा दिया जाए, ठीक, इसको हटा दिया जाए, इसको हटा दिया जाए, ठीक, आना चाहिए अब, आ गया जी, ठीक, तो इस तरह से आप बॉर्डर वगैरह कर लेंगे, ठीक है, डॉटेड, डॉटेड भी बॉर्डर होता है जी, गायब हो गया, स्पेलिंग मैं गलत कर दिया होगा, बॉर्डर डॉटेड HTML या CSS करना चाहिए था मुझे, ठीक है, ये देखिए डॉटेड बॉर्डर ऐसा होता है, ठीक है, तो डॉटेड आप कर दो, ठीक है, अब क्या होगा, डॉट 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 करके आ गया, ठीक है, तो बहुत सारा स्टाइलिंग होता है ये, ठीक है, आप प्रैक्टिस करना, ठीक है, दिक्कत आएगा तो आप लोग पूछ लेना, ठीक है, और क्या है जी बताने लायक, थोड़ा सा आप लोग, हेलो ठीक है जी, ये पैराग्राफ समझ में आ गया आपको, नहीं आया, एक टैग है इसमें टाइटल, टाइटल में मैं क्या लिख दूं, टाइटल में क्या लिख दूं, स्टूडेंट डिटेल्स, ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा जी, नेम, नेम में कुछ भी दे दूंगा, क्लास, क्लास में कुछ भी दे देंगे, एड्रेस में कुछ भी दे देंगे, मैं हर जगह BR लगा दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसे, और इसको कर दूंगा मैं, ठीक, तो ये आ गया, अब यहाँ पे मैं माउस ला रहा हूँ, तो ये देखिए जो मैं टाइटल में लिखा था ना, वो टाइटल में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो ऐसे ही आप काम कर लोगे, ठीक है, दूसरे स्टूडेंट का डिटेल्स आपको करना है तो आप ऐसे कर लोगे, मैं इस स्टाइल को हटा देता हूँ, ऐसे, जो भी एट्रीब्यूट्स आपको देना है, ठीक है, वो सारा एट्रीब्यूट आप क्या करेंगे,
टैग के ओपनिंग टैग में आप देंगे, ठीक है, क्लोजिंग टैग में जो है पैराग्राफ बोल रहा हूँ, कोई भी एट्रीब्यूट्स आपको देना है तो ओपनिंग टैग में ही दिया जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे पैराग्राफ में दिया था एट्रीब्यूट कलर वगैरह, ठीक है, तो वैसे ही आप चाहे जो भी टैग लेते हैं, ठीक है, जैसे ये टाइटल टैग है तो इसके ओपनिंग में मैं चाहता हूँ कुछ कर दूँ तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, लेकिन इसमें टाइटल में करके कोई और नहीं है, ठीक है, तो इसी तरह से आप कर देंगे। यहाँ पे मैं ए लिख दूंगा अगर प्री, तो क्या होगा, तो ये जो है जैसा फॉर्मेटेड है वैसे ही दिखा देगा ये, ठीक है, ये देखिए दिखा दिया, तो ऐसे ही जो है काम करता है। अब कंट्रोल यू दबाएंगे आप तो इसका सोर्स कोड दिखने लगेगा, ठीक, इसका सोर्स कोड दिखाई देगा कि इसमें क्या क्या कोड लिखा गया था, पहले HTML था, फिर हेड था, फिर टाइटल था, फिर पता नहीं क्या क्या था, ये सब है, ठीक, ठीक है जी। किसी को कुछ पूछना है, नहीं पूछना है, कुछ पूछना है किसी को तो पूछ लीजिए जी। एक तो और टैग आपको आखिरी में का बता देता हूँ, ठीक है, बड़ा बढ़िया इंटरेस्टिंग टैग है जिसको कहा जाता है मार्क्यू टैग, ठीक है, मार्क्यू किधर है भाई, स्पेलिंग बताओ यार कोई मार्क्यू का, पता चल गया मेरे को, ठीक है, ये लो आ गया, ये है, ठीक। अब इसको मैं मार्क्यू के अंदर अगर डाल दिया तो क्या होगा, ये दौड़ने लगा, ठीक है, मार्क्यू के अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो, इसको डाल दूंगा ना तो ये भी दौड़ने लगेगा, ठीक है, तो ये है मार्क्यू टैग, ठीक है जी। अब मैं क्या चाह रहा हूं ना कि अभी क्या हो रहा है, ये राइट साइड से लेफ्ट साइड में जा रहा है ना मार्क्यू, मैं चाहता हूं कि लेफ्ट से राइट में जाए, ठीक, तो क्या करूंगा, बड़ा आसान काम है जी ये करना, कैसे, कुछ एट्रीब्यूट दे दूंगा, ठीक है, क्या दे दूंगा एट्रीब्यूट, ये बिहेवियर है, स्क्रॉल होना चाहिए, अल्टरनेट होना चाहिए, साइड होना चाहिए, ठीक है, एक एक करके देखते हैं क्या होता है इनसे, इनका बिहेवियर में कुछ परिवर्तन आता है, ये तो कुछ आया नहीं जी, स्क्रॉल दे देते हैं तो स्क्रॉल तो हो ही रहा है, ये देखिए ये है अल्टरनेट, ठीक, इधर घुस नहीं गया अंदर, ये इधर ही वापस हो गया, ठीक है, ये देखिए अभी पहुंचा नहीं है, ये देखिए वापस हो गया, तो ये अल्टरनेट है, इसको मैं एंटर करूंगा तो अब देखना क्या होगा, अब स्क्रॉल वाला दिया हूं मैं तो अब देखना क्या होगा, जाना जल्दी इतना टाइम लगा रहा है, इसको फास्ट करते हैं, थोड़ा फास्ट रहेगा तो मजा आएगा, हाँ चला जा अंदर, ये देखो अंदर चला गया और इधर से स्क्रॉल होके निकल गया, ठीक है, तो ये है स्क्रॉल। फिर इसके बाद क्या है जी, साइड, ये देखिए साइड में क्या होगा, देख लीजिए जी आपकी आंखों के सामने है, हम क्या कहें इसके तारीफ में अब, ठीक है, तो ये है जी, बाकी रुक जा, अब रुक गया, अब रुक गया जी ये, फिर इसको करेंगे तो फिर जाके रुक जाएगा, ठीक है, तो यही है बिहेवियर, और क्या है जी, अलाइन है, ठीक है, डायरेक्शन जो मैं बता रहा था, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, तो वही है, डाउन, डाउन कर दूंगा तो कहाँ चला जाएगा, ये नीचे की ओर जाएगा, ठीक, ये देखिए जा रहा है, ये डाउन हो गया, ये साइड से डाउन हो रहा है, मजा नहीं आ रहा है। अलाइन में इसको क्या दे दूंगा, सेंटर, सेंटर अलाइन नहीं होता है इसमें, ये तो मजा नहीं आया जी, ओ समझ गया मैं, ये दे दूं, दे देता हूं, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन कोई और नहीं है इसका, डाउन के बाद मैं लेफ्ट देता हूं, ठीक,
तो अब क्या होगा जी, जैसा पहले था वैसे ही जा रहा है लेफ्ट में, ठीक है। इसको राइट दे दूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा, राइट साइड जाने लगेगा, ठीक है। देखिए राइट साइड जाने लगा है, ठीक है। तो यही मार्क्यू है और क्या। मार्क्यू के अंदर या तो आप फोटो डाल दो, या फिर स्टूडेंट का डिटेल डाल दो, या कुछ भी डाल दो, ठीक है। जो भी आप डालेंगे वो इसी तरह से घूमना शुरू कर देगा, ठीक है जी। अप है तो नाम से स्पष्ट है, आप समझ गए होंगे क्या करेगा, ठीक है। तो ये जा रहा है। बीजी कलर यहाँ पे भी है, इसका भी कलर हम बदल देंगे, ठीक है। हाइट है, एच स्पेस है, ठीक है। लूप है -1, 2 कर देता हूँ मैं, ठीक। अब टू लूप का मतलब क्या है, दो रुक गया, पहले ही रुक गया, क्या ये, तो यही इसका मतलब है जी। 1, 2, दूसरा बार में ये रुक गया, ठीक है। थर्ड कर दूंगा तो क्या होगा जी, आप लोग देख लो क्या करेगा। 1, 2, 3 रुक गया है तीसरा बार में। -1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा जी, इसका कोई सीमा नहीं रहेगा, अनलिमिटेड, इनफाइनाइट, ठीक। तो यही इसका मतलब है जी। बाकी ऑन क्लिक ये सब इवेंट है, ठीक है। इवेंट हम देख लेंगे कभी, ठीक है। ट्रस्टेड स्पीड क्या है, वही है ना, हाँ यही है, बाकी तो इसमें कुछ रखा नहीं है। मैं एक इवेंट और खोजना चाह रहा हूँ इसमें, माउस आउट माउस ओवर, दिस डॉट इस टॉप डायरेक्शन IGHT रुक गया है, ठीक। मैं इधर से लाता हूँ चुप्पे कर, इसको पता ना, हाँ चुपचाप ले लाया, पता नहीं चला इसको। चलिए जी अब अभी ये जा रहा है, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ कि इस पे जैसे ही माउस ले जाऊँ ना, क्या करे वो, रुक जाए, ठीक है। तो अभी देखिएगा, मैं माउस ले जाऊँगा तो रुक जाएगा, ले गया माउस, ये रुक गया, ठीक। अब रुकेगा तबे तो आदमी पढ़ेगा ना, नहीं तो घूमता रहेगा, ज्यादा कंटेंट रहेगा, मजा नहीं आएगा, ठीक। लेकिन फिर मैं क्या चाहता हूं कि जैसे ही माउस हटे फिर से चलने लगे, तो क्या कर लेंगे हम, इसी का उल्टा कर देंगे जी। ऑन माउस आउट होगा इसमें इवेंट, ठीक है। ये देखिए ऑन माउस आउट, इसमें आऊंगा और क्या कर दूंगा, दिस मतलब क्या होता है, ये मार्क्यू टैग, ठीक है। स्टार्ट कर दिया मैं, ठीक। ये जावा स्क्रिप्ट है, ठीक है। अब जावा स्क्रिप्ट क्या होता है, कैसे होता है, हम बता दूंगा मैं कभी आप लोगों को, ठीक है। लेकिन अभी तो इतना ही समझ लो, माउस ले गया रुक गया, हटाया चलने लगा, फिर ले गया तो फिर रुक गया, हटा दिया तो चलने लगा, ठीक है। तो यही होता है आपका मार्क्यू, ठीक है। और कुछ उस तरह का है क्या, स्टाइल, स्टाइल जो पैराग्राफ में मैं बताया था वही स्टाइल आप लागू ही कर लेंगे, ठीक है। वही सब चीजें हैं, टाइटल वही है कि हम ले जाएंगे उसमें तो टाइटल्स वगैरह आ जाएगा, ठीक है, दिखाएगा। स्क्रॉलिंग डिले 20, इतना धीरे धीरे जाओगे मजा नहीं आएगा। इसको मैं क्या करता हूं, -20 दे देता हूं, थोड़ा स्पीड हो गया, ठीक है। ये दे दूं तो क्या होगा, तो वही है, ठीक है। स्क्रॉल अमाउंट
कितना होना चाहिए जी स्क्रॉल का अमाउंट, मैंने 30 दे दिया, देखते हैं इसका इफेक्ट क्या होता है। मज़ा नहीं आया, ये बहुत ज़्यादा स्क्रॉल कर रहा है एक ही बार में, ठीक है। तो ये स्क्रॉल अमाउंट है जी, ठीक है, आप लोग बाकी देखना, ठीक है। बिहेवियर बता ही दिया, ठीक है, लूप क्लिक करने पे क्या होना चाहिए। अच्छा क्लिक व्लिक बाद में देख लेंगे हम लोग कभी, ठीक है। तो इसमें कोई समस्या किसी को, ये एट्रीब्यूट्स वगैरह हैं, ठीक है, तो कोई किसी को कुछ समस्या तो नहीं है, है? इतना ही है, बाकी इतना ही काम का भी मेरे को लग रहा है, बाकी तो आपको समझ में भी नहीं आएगा अगर मैं कुछ बताऊं तो, ठीक है। आपको सिर्फ ये दोनों समझ में नहीं आया होगा कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो ये जावा स्क्रिप्ट का कोड है, मैं आपको जावा स्क्रिप्ट बता दूंगा थोड़ा बहुत अगर मौका मिले तो, ठीक है। तो जितना आप अभी देखे पढ़े उसमें कोई किसी को कुछ दिक्कत नहीं है, है? नहीं है ना, है दिक्कत बताइए, कोई दिक्कत हो तो। फोटो खींचना चाहते हो तो आप खींच लो, कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या नहीं है ना, है नहीं है? बंद कर दूंगा अब, बाकी आप लोग प्रैक्टिकल करिए, कोई दिक्कत आएगा तो पूछिएगा, ठीक। चलिए जी।